तो फाइनली आज हम आ पहुंचे हैं सबके दिलों पे राज करने वाले शहर दिल्ली में। और किसी ने खूब कहा है कि दिल्ली एक शहर नहीं बल्कि एक महफिल है और अपने अंदर हजारों और लाखों को समेटे बैठी है। ये शहर चकाचौन भीड़ भाड़ इमारतों और खूबसूरती से भरा हुआ है, जिसमें आज हम अपने कुछ घंटों को गुजारेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखें। दिल्ली में सफ़र करने के लिए सबसे अच्छा और किफ़ायती रास्ता है दिल्ली मेट्रो का। और दिल्ली मेट्रो में सफ़र करना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि ये नेटवर्क बहुत ही बड़ा है और आप बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि कैसे जाएं किधर जाएं। तो यहाँ पर आपको जगह जगह पे इस तरह के फुटप्रिंट्स मिल जाएंगे, जिसको आप फॉलो करके अपने रास्ते को चुन सकते हैं, या आप DMRC का ऐप देख सकते हैं और मैप भी आपको जगह जगह पर मिलते हैं। कुछ देर भटकने के बाद हम टोकन लेके मेट्रो का पहुंच जाते हैं ऊपर, और ऊपर हमारी ट्रेन आ ही चुकी होती है। और बिल्कुल मुंबई लोकल की तरह इसमें भी हम भीड़ में खड़े हुए और भीड़ ने हमें ट्रेन के अंदर पहुंचा दिया। ट्रेन के अंदर भी बहुत ही गर्दिश थी, जिसमें हम कुछ देर ही खड़े हुए और पहुंच जाते हैं अपने जगह लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन। तो दोस्तों, हम दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले आए हैं अपनी पेट पूजा करने, क्योंकि हम इससे पहले हम यहां आते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं। हमारी ट्रेन ऑलरेडी बहुत ही लेट हो चुकी थी और हम काफ़ी लेट आने के बाद यहां पे सबसे पहले आते हैं काव्या बुफे, जिसका हमने बहुत ही नाम सुना था। तो आगे हम अंदर वीडियो में दिखाएंगे कि यहां पे क्या क्या है, क्या क्या डिशे खाने के अवेलेबल है। और ये बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली है और बहुत ही अच्छा हमने सर्च करके आए। आगे की वीडियो में डिटेल्स आपको मिलेंगे और रिव्यू भी हम आपको खाने के बाद देंगे। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कश्मीरी गेट पर। और जैसा कि आपने देखा, हम गए थे काव्या बुफे, जिसके बारे में हमने यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देखी थी। और मुझे लगता है कि जितना मैंने सर्च किया था, उन सभी वीडियोस में से सबसे चीपेस्ट या सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा प्रोडक्ट देने वाला बुफे काव्या बुफे था, जिसके बारे में बहुत सी वीडियोस देखी है। और हमारा ये जेन्यून रिव्यू है, हम अभी खा के आ रहे हैं वहाँ पे। आपको बता दें कि हम थोड़ा सा स्पाइसी लवर हैं, तो अगर फूड की क्वालिटी की बात करें तो फूड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। पनीर की ग्रेवी वाली जो भी सब्जी थी, उसमें पनीर भी अवेलेबल थी और सभी चीज़ फूड में बहुत अच्छा था। और हमें थोड़ा तीखा पसंद है, बट फूड थोड़ा तीखा नहीं था। बट जो भी हल्का कम तीखा खाते हैं, उनके लिए बहुत ही ओवरऑल अच्छा है। बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा कम है, वहाँ पे लगभग 12 से 15 लोग ही बैठ सकते हैं। बट फूडिंग की बात करें तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, हमारी ट्रेन काफ़ी लेट हो गई है और अभी हमारे दो दोस्त आ भी नहीं पाए हैं, हम अभी पहुंच गए हैं कश्मीरी गेट पर और अब हम यहाँ पे शूट करेंगे। और अगर आगे हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है, और अभी जैसा मैं देख रहा हूँ कि 5 बज चुका है, तो अगर हमारे पास टाइम बचा तो ज़रूर से हम थोड़ा और कवर करेंगे अपने एरिया को, अपने आसपास की, क्योंकि हमारी बस 6:40 की है। और आगे की वीडियो में बने रहिए, जो कुछ भी हम कवर करेंगे इसके आसपास का एरिया, वो हम आपको ज़रूर से दिखाएंगे। तो देखते रहिए मिस्टर डैश ट्रेवलर। Thank you.